हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल एसके लिटिल ब्लॉग। सो गाइस, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है, आज मेरे दोस्त मेरे साथ में नहीं जाएंगे और मेरे जो पुराने दोस्त हैं, और काफ़ी दिनों से हम दोनों साथ में काम करते हैं लेकिन कभी भी मेरे ब्लॉग में नहीं रहे। तो चलिए आइए, उनसे मैं मिलवाता हूँ फिर उनके साथ। सो गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग रहने वाला है, ये नेशनल म्यूज़ियम है जो कि कुवैत सिटी में लोकेटेड है, और इसमें मैं और मेरा फ्रेंड जाने वाले हैं जो कि हम लोग साथ में 3 साल से काम करते हैं, लेकिन वे पहले कभी मेरे ब्लॉग में नहीं आए। तो आज उनको मैं अपने साथ में लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ, उनको भी थोड़ा घुमाएंगे कैसा क्या रहेगा। तो अभी वे आ रहे हैं पुलिस डिस्ट्रिक्ट के पास, तो मैं भी उनका वेट कर। सो गाइस, जैसा कि मैं बोल रहा था, मेरे दोस्त मेरे साथ में जाएंगे, और दोस्त बोल सकते हैं या भाई, वैसे तो मैं भाई करके बुलाता हूँ, बड़े भाई। सो इनका नाम संदिल है, जो कि काफ़ी दिनों से मेरे साथ में काम कर रहे हैं। मैं और संदिल भाई दोनों साथ में ही काम करते हैं, एक ही जगह हैं अभी भी, तो काफ़ी दिनों से 3 साल हो गए हम लोग काम करते हैं। तो आज हम दोनों मिलकर जाने वाले हैं कुवैत सिटी नेशनल म्यूज़ियम। तो ना, आप अपना कुछ बताइए, अपना नाम। हाय, सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है। मेरा नाम संदिल है, मेरा भाई है, वो दोनों जा रहा है। मेरा भाई का वीडियो आप लोग सब फॉलो करो, शेयर करो, सब देख के एंजॉय करो, ठीक है? ओके, फिर चलते हैं। ओके, तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर सिटी में आ चुके हैं। तो अभी मैं लोकेशन, मैं पहले भी वहाँ पर जा चुका हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं कुछ ध्यान नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैं यहाँ से अभी लोकेशन से जाऊँगा। तो यहाँ से अभी 1 किलोमीटर दिखा रहा है, तो हम लोकेशन से फॉलो करके वहाँ पर जाते हैं, तो और फिर बने रहिएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पर हैं इस समय कुवैत सिटी में। ओके, तो इधर ही अपना मालिया है पास में, KFC, तो ये भी पास में है, तो वहीं से हम स्टॉप लेके सो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और ये नेशनल म्यूजियम है ना, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि आज तक आपने म्यूज़ियम में इतनी बड़ी चीज़ नहीं देखी होगी। ये एक बहुत ही बड़ी शिप है जो कि म्यूज़ियम के बाहर है, जस्ट और बाहर में रोड है वहाँ पर। तो ये यार काफ़ी खूबसूरत, अभी भी ये सजा कर रखी है, बहुत पुरानी शिप है, और आप देख सकते हैं यार कितनी पुरानी ये शिप है। और यहाँ से उसके ऊपर जाने के लिए लकड़ी का एक लैडर भी बना हुआ है जो कि अभी बंद है, और यहाँ से देखने के बाद फिर इसी के पास में एक छोटी सी नाव है जो कि यार काफ़ी खूबसूरत है अभी भी, कितना। सो गाइस, यार अभी हम लोग थोड़ा उसको पुराना जो जहाज़ था वहाँ पे शिप बना हुआ था उसको हम देखे और थोड़ा फोटो वोटो लिए। तो अभी हम लोग यार 4:30 बजने का वेट कर रहे हैं, तो 4:30 बजे वो ओपन होएगा, तो फिर हम वहाँ पर चलते हैं। ओके,
तो थोड़ा अभी हम बैठे हैं यार यहाँ पर, ये यहाँ के थोड़ा अच्छा लोकेशन था तो सोचा आपको दिखा दें। और यहीं पे यार पास में ही अपना इधर भी सी साइड। सो गाइस अभी हम लोग अंदर आए, एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर सिविल आईडी जमा कराए, तो अभी सिविल आईडी जमा करा के उसका नाम पता अंदर आए। सो गाइस जो हम अपने भाषा में बोलते हैं सुराही, और ये काफ़ी घड़े मटके जैसे, और ये देख सकते हैं आप जैसा कुल्हड़ होता है ना, तो यार सो गाइस ये कुछ ऐसा पत्थर है, इसके अंदर में कुछ लिखा हुआ है मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा कोई सी लैंग्वेज में है लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये इसका नोटिस भी है, अरबी हिंदी इंग्लिश, अरबी और इंग्लिश में इनका नोटिस पुराना है, जो क्वींस पता नहीं यार इधर के ही हैं कहाँ के, लेकिन ये पुराने ज़माने में जो पैसा वैसा चलता था वही है जो क्वींस कुवैत का। सो गाइस पहले जो ऊन होती थी ना, तो देख सकते हैं आप यार किस तरीके से ये ऊन, और इसको बनाने के लिए भी यहाँ पर है इसका, ये देख सकते हैं आप ऊन बनाने का, ये यहाँ पर है यार कितना, जो पहले ज़माने पुराने। और सो गाइस और ये जैसे कि पहले जो बर्तन बेचने की दुकान रहती थी बर्तनों की, तो इस तरीके से है देखो, जो पुराने ओल्ड एज टाइम में रहते थे इस तरीके से। सो गाइस और आप देख सकते हैं कि पहले खजूर किस तरीके से बेचते थे, इस तरीके से ऐसे अभी भी यहाँ। सो गाइस ये आप देख सकते हैं पहले ज़माने के यार पासपोर्ट कैसे रहते थे यहाँ, ये देखिएगा पहले ज़माने के पासपोर्ट। कड़ा है यार, गोल्ड का है क्या है मालूम नहीं, एक बहुत मोटा है यार। सो गाइस पहले का यार देखो किस तरीके से ज्वेलरी रहती थी, ये भी सब ओल्ड टाइम की ज्वेलरी गोल्ड इस तरीके से रहता था। कैसे धार लगाते थे औजारों को, ये देखिए आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं पहले पहले की दीवानी किस तरीके से होती थी, और ऐसी बैठक बैठ के हुक्का पीने का, चाय गावा, और ये दीवानी जो अभी बोलते हैं ना। अभी जो मेरा अंदर का ये नेशनल म्यूजियम था, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका हूँ, वहाँ से मैं अभी बाहर आ गया हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बाहर का। सो गाइस आप लोग आना और देखने का यहाँ पर यार जो कुवैत के पुरानी चीज़ें थी, और वे लोग किस तरीके से गुजर बसर करते थे, किस तरीके से क्या उनका कैसा क्या था कल्चर उस, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, तो आप लोग आइएगा विज़िट कीजिएगा। ये यार ये जो एरिया है यहाँ पर कुवैत सिटी में ही है, कुवैत सिटी के पास में ही है लोकेटेड, तो
आप आ सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी है यार, यहाँ पर ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री है, तो आप फ्री आप अंदर आ सकते हैं और यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। ओके, तो आज के मेरे ब्लॉग में मेरे साथ मेरे दोस्त अन्ना बड़े भाई मेरे साथ रहे थे। तो अन्ना, आप कुछ, आपको कैसा लगा यहाँ पर आज? हमको इधर आके देखा, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन अकेला देखने में बहुत एक बहुत डर जैसा आएगा अकेला आके देखने के लिए। दोस्त के साथ सब लोग आ जाओ, तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं है, काली सिलड़ी का वो बताकर लिख के अंदर जाने का, एंट्री करके अंदर जाके सब जगह घूम के देखो, बहुत अच्छा है। आप लोग किधर भी देखा नहीं होगा, उतना अच्छा इधर देख सकते हैं। आप प्लीज़ आ जाओ, आके देखो, ठीक है? अपना बाइक का वीडियो सब फॉलो करो और शेयर करो और लाइक करो, सब कुछ करने का, ठीक है? सो गाइस।